दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक कोरोना वायरस का कार्ड ढूंढ रही हैं और इसी को लेकर बिल गेट्स ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम है। भारत में कोरोना वैक्सीन को बनाने में मदद करने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियां काफी महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। एक कार्यक्रम के दौरान गेट्स ने कहा कि भारत को अपने विशाल आकार और शहरों में बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण स्वास्थ्य संकट के कारण एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और भारत में बहुत अधिक क्षमता है। भारत के पास कई दवा और वैक्सीन कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया के लिए दवा की आपूर्ति करती हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में दुनिया के मुकाबले कहीं अधिक वैक्सीन बनाई जाती है। सीरम इंस्टीट्यूट इसमें सबसे बड़ा है। ये पहली बार नहीं है कि जब बिल गेट्स ने भारत की तारीफ की है। इससे पहले भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के खिलाफ भारत के प्रयासों के लिए उनकी तारीफ की थी। दुनिया जानती है कि भारत में बायोटेक जैसी कई दूसरी कंपनियां हैं जो कोरोना वैक्सीन बनाने में मदद करने के लिए काम कर रही हैं। उसके अलावा भारत महामारी संबंधी तैयारी नवाचारों यानी CEPI के लिए गठबंधन में शामिल हुआ है। जो वैक्सीन प्लेटफॉर्मों के निर्माण के लिए वैश्विक आधार पर काम करने वाला एक समूह है, यानी कि भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उत्पादन करने में सक्षम होगा। मौजूदा वक्त में दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक इस कोशिश में जुटे हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन विकसित किया जाए। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल भारत में दो कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारतीय दवा कंपनी जाइडस कैडिला की माने तो कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है। दूसरी ओर भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल देश में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।